हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पुस्तक पढ़ेंगे, कक्षा 2 की उपवन। चलिए पुस्तक खोलते हैं स्टूडेंट्स। हम पाठ 4, मूर्ख को उपदेश। ये पाठ हम पूरा पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, आपको इसको मैं समझा चुकी हूँ। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ, बारिश, वर्षा, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रेन, बया एक चिड़िया, अबर झोपड़ा झोपड़ी, इंग्लिश में मीनिंग होता है हट, नन्ही छोटी स्मॉल, उपदेश सीख यानी टीचिंग, मज़ा चखाना सजा देना टू पनिश, बेघर जिसके पास घर ना हो, होमलेस खुद स्वयं यानी सेल्फ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो पिंक में है और ये जो ब्लैक में है वर्ड्स, आपको ये शब्द कॉपी में लिखने हैं। बारिश वर्षा, बया एक चिड़िया, तो आपको ये शब्द जो शब्दार्थ है वो आपको कॉपी में लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कक्षा कार्य, ये आप कॉपी में करें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये है श्रुतलेख, डिक्टेशन का घोंसला, बारिश कांप, कहीं झोपड़ा झपट्टा। कुछ देर बाद उसने बंदर से डैश नहीं भीगे गे भीगोगी ये देखिए ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। कुछ देर बाद उसने बंदर से कहा, भाई तुम्हारे पास तो अच्छे हाथ पैर हैं, अच्छा बड़ा शरीर है, फिर तुम अपने लिए एक झोपड़ा क्यों नहीं बना लेते? उसमें तुम आराम से रहोगे और बारिश में भी नहीं भीगोगे। तो ये लाइन्स यहाँ से ली गई हैं, ये वाली लाइन्स, तो आपको ये यहाँ से देखकर पूरी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू। अपना काम आप अच्छे से नीट एंड क्लीन करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय ऑल ऑफ यू।